जगराओं में आम आदमी पार्टी के धरने को भारी पुलिस फोर्स ने एसएसपी साहब की मौजूदगी में खदेड़ा। मौके पर एसपी मैडम गुरमीत कौर, डीएसपी राजेश कुमार, एसपी साहब, एसएचओ साहब, भारी पुलिस फोर्स, नायब तहसीलदार सतगुरु सिंह आदि और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की विधायिका सरबजीत कौर मान के आप कैंडिडेट वर्कर आदि इस मौके मौजूद रहे। सभी की यही मांग थी कि उनके उम्मीदवारों के साथ धक्का हुआ है, प्रशासन ने सीटों में उलट पुलट किया है। दूसरी ओर एसएसपी चरणजीत सिंह सोहल ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रशासन और सिविल प्रशासन ने मिलकर बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, पारदर्शी चुनाव करवाए हैं और गिनती भी बिना किसी भेदभाव की है। उन्होंने शहरवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की। मामला कोई नहीं है, इस तरीके जिहड़ा अज दी है काउंटिंग प्रोसेस सीगा ये कंप्लीट होया है। ये लोकल बॉडीज इलेक्शंस दा जिहड़ा पूरा ये प्रोसेस सीगा वो कंप्लीट होया। इस जिहड़े इलेक्शन प्रोसेस दे कंप्लीट होण ते मैं शहर वासियां नूं जिथे जिथे भी इलेक्शंस होए ने उन्हां दे सहयोग करके उन्हां दा धन्नवाद करदा, प्रशासन दा धन्नवाद करदा, सिविल प्रशासन दा। इस दे नाल ही जिन्ने कैंडीडेट्स खड़े सी उन्होंने काफ़ी साढ़े नाल सहयोग किया है, उस लई उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। लोकल बॉडीज इलेक्शंस दे विच बड़े ही शांति दे नाल लोगों ने साडा सहयोग दिता ते इस प्रोसैस नूं कंप्लीट किया है, इसलिए जिहड़ी ये कॉन्फ्रेंस अज्ज दी कीती जा रही है। सर, एक आम आदमी पार्टी वालों इलेक्शनों तो बाद रिजल्ट होने तो बाद रोस प्रदर्शन भी किया जा रहा है, काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे, उसके बारे की कहोगे? देखो जी, ये इस तरीके का है जो मैनू गल समझ आई है कि SDM साहब वालों इन्हों जो है बुलाया गया सी गलबात करने लई, जो इन्हों के डाउट से क्लीयर कर ले, पर नहीं गए। DC साहब नाल गल हुई तो उन्होंने AD साहब की ड्यूटी लाई, मिस्टर अमरजीत सिंह बैंस इन्होंने गल कर आए, पर ये किसी कारण करके इन्होंने आना बहाना करके उन्होंने गल नहीं की, जो कि लेटर ऑन इन्हों समझाया गया तो ये बाद इन्होंने गल की है उन्होंने। सर, मैडम कह रही है भी मैं तो गलबात करनी चाहिए SDM साहब ना, पर पुलिस प्रशासन के SP मैडम ने गलबात नहीं करवाई साड़ी, ये की मैटर है मैडम? बार बार धरने में काफ़ी इशू कह रहे थे। इदा की कोई गल नहीं है साढ़े वालों, इन्हों की आपकी तुम वर्जन देख लियो, पुलिस वालों तो पहला भी सहयोग किया गया, हूँ भी कर रहे हैं। साडा जिहड़ा मकसद से लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उसनों मद्देनज़र रखते हुए ये सारे इलेक्शनस करवाना, इन नेपरे चाड़न का ये साड़ी ड्यूटी सी, असी अपनी जी ड्यूटी है साड़ी पूरी फोर्स ने यह ड्यूटी तनदेही निभाई है। तो जिहड़ी ये गल कही जा रही है इनू मैं वेरीफाई किया है, ईवन MLA साहब नाल भी इस तरीके की गल की है, भी इस तरीके की जो कोई गल है तो सानू दसी जाए, वो गल सामने नहीं है। सर, एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वर्करों की आपस झड़प होने भी गल सामने आई है? नहीं, इदा नहीं कोई गल नहीं सामने आई, मतलब आपस में कोई झड़प नहीं हुई? नहीं, मेरे सामने कोई नहीं है जी। गल सर, जिवें एक पत्रकार भरा ने साडे ने दस्सिया वी तुहानू कि एक कांग्रेसी जो हार चुका सीट लै के जी काफ़ी गल्लां कर रहे, जे उहदा कोई आरोप है वह जिहड़ी कंपीटेंट अथॉरिटी है उत्थे अपनी एप्लीकेशन दे दे। जगराओं से दविंदर जैन की रिपोर्ट। मौजूदा हालातों ते नज़र मारीए तां इंसान तरह तरह दीआं बीमारियां नाल जूझ रहा है। इंसान बीमारियों तो छुटकारा पाउण लई तरह तरह के उपराले भी करता है, और जिमें तुहाडे दुखां नूं मद्देनज़र रखते हुए इस तो पहला फीर लीफ ऑयल तैयार किया गया, जिस द्वारा 125 बीमारियों का इलाज किया गया, तो हुण एक होर प्रोडक्ट तुहानूं दुखां तो नजात दवाउण लई हाज़र है, फीर लीफ पावर, जिस दे नाल तरह तरह दीआं कमजोरियां नूं दूर किया जा सकता है, जिमें मरदाना कमजोरी, अंतरियां दी सोजिश, पेशाब विच जलन, दिल की कमजोरी, खून की कमी अते दिमाग नूं तेज़ करता है। अलग अलग लैबोरेटरियों तो आयुर्वैदिक माहरां द्वारा टैसट हो के आप सब दे रूबरू है, और जिस दे विच कई तरह दियां आयुर्वैदिक जड़ियां बूटियां अते कई तरह के पसम मिला के तैयार किया गया है, वह नौजवानों लई बड़ा वरदान सिद्ध हो रहा है। जो नौजवान मरदाना कमजोरी नाल जूझ रहे ने, वह हुण फीर लीफ पावर का इस्तेमाल करन तो बाद दोबारा खोई हुई मरदाना ताकत नूं हासिल कर सकते ने। ये मेडिसन 100% आयुर्वैदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तुसी वधेरे जानकारी लई संपर्क कर सकते हो 94784-84087।